हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, समय से हमारी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम की प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल चल रही है, तो ऐसा है कि हम कंटिन्यू करते हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में पोर्टल सेक्शन वर्क कर रहे थे, जिसमें हमने पोर्टल के लिए ये पूरा एचटीएम लेआउट बनाया था। देन एड न्यू बटन पर क्लिक करने पर हमने ये पॉपअप ओपन किया था। आज हम इस पॉपअप को यूज करते हुए हमारे डेटाबेस की जो टेबल है इसके अंदर पोर्टल को इंसर्ट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एड न्यू पोर्टल हमारा पॉपअप है, तो हम जाते हैं हमारे पॉपअप पर। तो ये है हमारा पॉपअप, इसका यूज़ करते हुए हम इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फॉर्म का एक्शन बनाना होगा, तो हम यहाँ लेंगे एडमिन स्लैश एड न्यू पोर्टल और इसका हम राउट बनाते हैं। राउट बनाने के लिए हम जाएंगे वेब डॉट पी एच पी पर और यहाँ पर हम लिखेंगे राउट कॉलन कॉलन पोस्ट। देन यहाँ लिखेंगे हम एडमिन स्लैश एड न्यू पोर्टल और यहाँ होगा एडमिन एट द रेट एड न्यू पोर्टल। और इस मेथड को हम क्रिएट करेंगे हमारे एडमिन कंट्रोलर में। तो हम चलते हैं हमारे एडमिन कंट्रोलर पर। देन सबसे लास्ट में हम यहाँ पर पब्लिक फंक्शन एड न्यू पोर्टल, देन यहाँ पर हम बनाते हैं रिक्वेस्ट का एक रेफरेंस वेरिएबल रिक्वेस्ट और यहाँ पर हम करते हैं एको प्री। देन यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट आ ऑल, जो रिक्वेस्ट के अंदर जितना भी डेटा होगा हम उसे प्रिंट करेंगे। और यहाँ पर हमने ये फॉर्म बनाया है, तो अब इस फॉर्म को हम सबमिट करेंगे एजेस के थ्रू। हमारी एजेस जो होगी वो वर्क करेगी इस क्लास के अकॉर्डिंग, जो डेटाबेस ऑपरेशन हमने क्लास लगाई है। इस क्लास के करते हुए हमने ग्लोबल एजेस लिख रखी है, जो है पब्लिक के अंदर, यहाँ से पब्लिक के अंदर एसेट्स, देन जेएस के अंदर कस्टम डॉट जेएस में हमने ये एजेक्स बनाई हुई है, जिसमें हम डेटाबेस ऑपरेशन नाम की हमारी क्लास एक्सेस करते हुए हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। देन उसका हम करंट यूआरएल और डेटा गेट करके हम एजेक्स को फायर करते हैं। तो आइए हम देखते हैं एजेक्स फायर करके। तो हम इसे करते हैं रिलोड। देन रिलोड करने के बाद हम ओपन करेंगे नेटवर्क। देन ये हो चुका हमारा नेटवर्क ओपन। देन नेटवर्क ओपन होने के बाद हम यहाँ पर फॉर्म में एंट्री फिलअप करते हैं। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, देन यहाँ पर हम पासवर्ड देते हैं 123456। इसका हमें टाइप चेंज करना होगा, तो हम इसे करते हैं एट पर क्लिक। तो ये देखिए यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, इसमें नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड आ चुका है। तो अब हमें इस पर सबसे पहले तो वैलिडेशन लगाना होगी कि अगर कोई भी फील्ड ब्लैंक हो तो हमें एरर मैसेज शो हो, अदरवाइज हमारा डेटा हम डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो इस पर हम वैलिडेशन लगाने से पहले सबसे पहले हम इसका टाइप चेंज करेंगे। यहाँ पर पासवर्ड शो हो रहा है, तो हम इसका टाइप चेंज करने के लिए आते हैं हमारी मैनेज पोर्टल डॉट ब्लेड में। देन पासवर्ड में यहाँ टेक्स्ट की जगह टाइप देंगे पासवर्ड, देन सेव करते हैं एंड अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। और अगेन हम हमारे इस फॉर्म को ओपन करेंगे, देन हम इसमें इंफॉर्मेशन अगेन फिल करके देखते हैं। और हम यहाँ पर अगेन देखिए यहाँ पासवर्ड शो नहीं हो रहा, देन हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो अब हमें नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड पर वैलिडेशन लगाना है। तो हम आते हैं हमारे एडमिन कंट्रोलर पर। देन हम जो वैलिडेशन लगाएंगे वो लगाएंगे हमारे इस वैलिडेटर का यूज करते हुए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक वेरिएबल बनाएंगे वैलिडेटर इक्वल्स टू वैलिडेटर, जो हमारी क्लास है हमने ऊपर यूज की है, कॉलन कॉलन मेक। देन इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे रिक्वेस्ट ऑल। देन इसके बाद हम यहाँ पर रूल्स लिखेंगे और रूल होगा सबसे पहले जो नेम है वो होगा रिक्वायर्ड। देन इसके बाद होगा ईमेल रिक्वायर्ड, देन मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड और यहाँ पर सबसे लास्ट में होगा पासवर्ड रिक्वायर्ड। एंड इस वैलिडेशन के बाद हम इस वैलिडेशन को रन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इफ के अंदर हम फंक्शन कॉल करेंगे पासेस, अगर हमारी वैलिडेशन पास होती है तो हमारा इफ चलेगा, अदरवाइज हम एल्स में आ जाएंगे। अगर हमारी वैलिडेशन फेल होगी तो हम यहाँ पर एक एरे बनाएंगे और इस एरे के अंदर हम देंगे स्टेटस फॉल्स। देन मैसेज में हम देंगे वैलिडेटर में जो हमें एरर्स मिलेगी उस
उसमें से हम सभी एरर्स को रिटर्न कर देंगे। देन अगर हमारी वैलिडेशन सक्सेस हो जाती है तो हम इसे इंसर्ट करेंगे। तो इसे इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर मॉडल को यूज़ करना होगा हमारे, तो यहाँ पर हम इसका डुप्लीकेट बनाते हैं। देन ओपन करते हैं हमारा मॉडल, इसके हम जाएंगे यहाँ पर, देन ये हमारी पोर्टल और ये है ई एक्स पोर्टल हमारा मॉडल, और इस मॉडल को हम यहाँ पर करते हैं यूज़ जो है ऐप के अंदर ओ ई एक्स पोर्टल। देन इसका यूज़ करते हुए हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम पी एक वेरिएबल बनाते हैं, देन इसके अंदर हम इसका रेफरेंस रखेंगे। हम हमारी पोर्टल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसे हमने पी के अंदर स्टोर किया है, और इसका यूज़ करते हुए हम इसे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नेम जो होगा वो होगा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में हमें जो नेम मिलेगा वो, देन इसे हम कॉपी करते हैं। देन इसके बाद होगा सेकेंड ईमेल मोबाइल नंबर पासवर्ड, देन यहाँ पर हम देंगे पासवर्ड। देन सबसे लास्ट में हम इसे कर देंगे सेव। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पी डैश सेव, हमारी मेथड हम कॉल करेंगे। देन इसके बाद हम एक एरे बनाएंगे यहाँ पर, और उसमें हम लिखेंगे स्टेटस ट्रू, देन मैसेज होगा पोर्टल सक्सेसफुली एडिट। देन यहाँ पर हम करते हैं एको जेसन इनकोड डॉलर एरर, देन सेव करते हैं। अगेन हम इसे टेस्ट करते हैं, हमें यहाँ पर हमें एक और चीज़ देना होगी कि सक्सेस पर हमें रिलोड भी कराना है इसे। तो यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट बनाते हैं रिलोड, देन इसमें हम देंगे यूआरएल, और जो यूआरएल होगा वो हमारा करंट यूआरएल होगा। देन इसे हम करते हैं सेव, और यहाँ पर हमने किया है जेसन इनकोड करके इसे को भी। अब हम इसे ऐड करके चेक करते हैं, तो हम एक बार पेज को रिलोड करेंगे, देन उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे। देन यहाँ पर हम देते हैं इन्फॉर्मेशन, तो अब सेल हम देंगे नेम, देन सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है। हम यहाँ पर ds@gmail.com दे देते हैं, देन क्लिक करते हैं हम ऐड पर। तो हम एक बार देखते हैं, तो हो चुका है ऐड, ये देखिए पोर्टल सक्सेसफुली एडिटेड। हम जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज लोड होगा, देन देखिए हमारा पेज लोड हो चुका है। देन अगर हम डेटाबेस में आगे चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है केवल स्टेटस को छोड़ के, तो हमें यहाँ पे स्टेटस भी लाना है। तो हम इसे करते हैं डिलीट, देन हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटस और ये देंगे वन, देन सेव। अगेन हम इसे ऐड करते हैं, देन हम करते हैं ऐड, तो ये देखिए ऐड हो चुका है। और अगर हम यहाँ आके देखें तो यहाँ पर भी हमारी इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है, देन उसमें स्टेटस वन आ चुका है। तो फ्रेंड्स हमारा ये पोर्टल सेक्शन में पोर्टल को ऐड करने का टास्क कंप्लीट हो चुका है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसे यहाँ पर लिस्ट में शो करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप प्रोजेक्ट सोर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आपको मेरी वेबसाइट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।